बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने सिर्फ 3 साल में चाय और नाश्ते पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ है। आरटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री दफ्तर ने 2015-16 से 2017-18 तक यानी कि 3 साल में कुल 1,03,04,162 रुपए खर्च कर दिए हैं। अल्दवानी के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हेमंत सिंह गोनिया ने इसी साल फरवरी में आरटीआई के जरिए यह जानकारी मांगी थी। इसमें यह बताया गया कि 2015-16 में सीएम ऑफिस ने चाय नाश्ते पर 23,12,000 रुपए खर्च कर दिए, जबकि 2016-17 में यह रकम बढ़कर के 46,54,000 रुपए पहुंच गई और 2017-18 की अगर बात करें तो 33,36,000 रुपए का खर्च सिर्फ चाय नाश्ते पर किया गया। जब से मुख्यमंत्री जी ने शपथ दी थी तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आपने जो है कितनी चाय पानी में आपका खर्चा आया इन 3 सालों में और कितना आपने हवाई दौरे किए, तो उसमें जो आंकड़े आए बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। उन आंकड़ों में 1,00,00,000 रुपए की तो चाय पी गए हैं 3 साल में और जो है 56 दौरे किए हैं 11,00,000 रुपए के। और जबकि मुख्यमंत्री जी ने चुनाव लड़ने से पहले जो घोषणा की थी केजरीवाल जी ने कि भाई मैं जो है कम से कम खर्चा करूंगा और जो है इसमें सरकारी आवास नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, अपनी गाड़ी जाऊंगा और जो है हवाई दौरे नहीं करूंगा, और उसी बल पर दिल्ली में सरकार इनकी बन के आई। और आज जो इन्होंने आंकड़े आए जो मैंने मुझे लगा कि वाकई इसमें कुछ घोटाला है, तो मैंने सूचना अधिकारी ने मुझे दिया सूचना मांगी तो उसमें जो आंकड़े आए इतने 1,00,00,000 रुपया खर्चा आया है और जो अपने आप में गलत इनने जो जनता से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए।